हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा रिटायरमेंट चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट, आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे सम देख चुके हैं। अब कुछ सम ऐसे हैं जो अभी भी इस चैप्टर के रिमेनिंग है, और जितने भी सम अब मैं कराने वाला हूँ, आज का जो सम नंबर 13 करा रहा हूँ ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के वीडियो के लेक्चर में जो कराने वाला हूँ वो भी सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला स्टेप हो चुका है, मैंने चारों चार अकाउंट बना दिए हैं। सेकंड स्टेप मेरा कैपिटल एन कैश एंड बैंक बैलेंस। तो एल बी डब्ल्यू तीन पार्टनर है जिनों का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो उनकी तीनों की कैपिटल दी है 20,000, 12,500 एंड 5,000, और वहीं पर उनका कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 2,000। क्लियर आपको? चलिए थर्ड वन, कोई भी रिजर्व दियो, जनरल रिजर्व 5,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है मैंने, 2,000 2,000 1,000। उसी के अलावा कोई क्रेडिट में है? नहीं है। डेबिट में कुछ? यस, गुडविल है, गुडविल को भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है 3,200 एंड 1,600। एसेट्स वाली गुडविल डेबिट साइड में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? बढ़ता हूँ मैं कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे। क्या करूँगा मैं? मेक अ रिवोल्यूशन अकाउंट, और उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो चलिए पहले मैं एक एक करके एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000, यानी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो क्या हो गई, 13,000 इंक्रीज हुई है। तो लिख दिया मैंने रिवोल्यूशन के क्रेडिट में बिल्डिंग अकाउंट 13,000, और डायरेक्ट बाहर बैलेंस शीट में कितना लिख दिया मैंने, बिल्डिंग 50,000। बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट वन, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट, सच इज टू बी रिकॉर्डेड एज इट्स कॉस्ट। आ गया, और आपको ऑलरेडी बहुत आगे मैंने कराया हुआ है, यानी इन्होंने क्या करा है, बाय मिस्टेक स्टॉक की वैल्यू क्या करी, 10% ज़्यादा कर दी है, तो ये हमारे लिए लॉस होगा ना। तो उसके लिए देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है क्या करा है मैंने, 110 पे उसकी एग्जिट प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज़, तो 5500 पे कितनी, तो 5500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, सो माय एक्चुअल अमाउंट विल बी 5000, बट आई जस्ट रिकॉर्डेड एज 5500, सो 500 विल बी माय लॉस। सो आई जस्ट मेंशन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट स्टॉक अकाउंट 500, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। क्लियर है? ये भी बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट वन, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू रुपीज 500 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, यानी डब्ल्यू का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो क्या हुआ है, डेबिट करा हुआ है। अब मैंने आपको ये आगे भी बताया हुआ है कि कभी भी डेबिट हो तो उसको रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिख देने का, अगर क्रेडिट हो तो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख देने का, अपोजिट एंट्री कर देने की। तो जो डब्ल्यू का पर्सनल एक्सपेंस है वो डेबिट किया था, तो मैंने रिवोल्यूशन के क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में। पक्का लिख दिया मैंने डब्ल्यू पर्सनल एक्सपेंस 500, और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, इसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है मैंने पर्सनल एक्सपेंस डब्ल्यू के अकाउंट में 500। इजी है ये भी, पक्का। चलिए बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट वन, गुडविल उसको लेफ्ट करेंगे, एल विल गेन वो भी जानने देते हम लोग, हाँ नेक्स्ट वाला भी। चलिए, यानी मेरा यहाँ तक रिवोल्यूशन की सभी एंट्रियाँ हो जा रही हैं। ओके, चलो मैं फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ मेरा क्या था, गुडविल। अब गुडविल के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड और न्यू रेशियो को दिया हुआ है, नहीं पर इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो आपको लास्ट समय मैंने कराया था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना कुछ शेयर क्या कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर को देके जा रहा है। तो देखो, डब्ल्यू ने क्या करा हुआ है, एल को 5/40 और बी को क्या करा, 3/40। पता है लास्ट वाला सम हमने करा था बेटा, तो लास्ट सम के अंदर मैंने क्या करा था, ये रेशियो फाइंड आउट करता, जबकि इस सम के अंदर आपको पहले से गेन रेशियो दिया हुआ है, यानी जो एल और बी क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका डब्ल्यू का कुछ रेशियो ले ले रहे हैं, यानी डब्ल्यू अपनी इच्छा से देखे जा रहे हैं। तो डायरेक्टली देख लीजिए, मैंने गेन रेशियो तो मुझे दिया हुआ है 5:3, 5/40 एंड 3/40 आया था, तो 5:3 ये क्या आ गया उनका गेन रेशियो। पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं, चलिए तो पहले डब्ल्यू की मैं गुडविल निकाल देता हूँ। 80,000 में कितना है डब्ल्यू का हिस्सा, क्या था डब्ल्यू का रेशियो, 1/5 था, तो कितनी आ गई, 16,000 आ गई। कर दूं एंट्री, सिंपल है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू, 16,000 को हम लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3 में, सो माय अमाउंट विल बी 10,000 एंड 6,000। कर दी इसकी लेजर पोस्टिंग मैंने, एल और बी के डेबिट में क्या लिख दिया मैंने, डब्ल्यू अकाउंट अमाउंट 10,000 एल में, 6,000 बी में, और वहीं पे डब्ल्यू के कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिख दिया मैंने, एल एंड बी अमाउंट 10,000 6,000 डब्ल्यू के अकाउंट में। चलिए क्लियर है ये भी आपको, इजी, गुडविल भी कंप्लीट। बढ़ता हूँ आगे, अब चलते हम लोग लास्ट वाले पे, सिक्स नंबर पे, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू पेड इन अ कैश। यानी अभी तक पता है मैंने आपको बोला था, जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसकी अमाउंट हम लोग या तो लोन में रखते हैं या तो कैश में, पर यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है डब्ल्यू, उसकी अमाउंट आपको क्या करनी है, कैश में रखनी है।
जिसके लिए जो भी पार्टनर हैं आई और एल और डब्ल्यू एल और बी वो क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट यानी जो इसको अमाउंट कैपिटल दे रही है कैश में, तो वो अमाउंट कौन लेकर आएंगे, एल और बी लेकर आएंगे। यानी बट ऑब्वियस है ना, ये लोग अपने फॉर्म चला रहे हैं और फॉर्म के अंदर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पैसा देने के लिए रिमेनिंग पार्टनर को पैसा लाना पड़ता है, पर वो एल और बी कितना लाएंगे वो हमको दिया नहीं है। पर आगे एक और लाइन दिया आपको, उनकी जो कैपिटल है ना वो न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो में रहनी चाहिए। आ गया पक्का? तो चलिए पहले एक काम करता हूँ मैं, पहले तो मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बंद करा, मेरा टोटल कितना आ गया प्रॉफिट 13,000, उसको मैं ले आऊँ प्रॉफिट को यानी 5200 2600 इतना मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पक्का? ये अमाउंट अब कहाँ से आई ये हमारे लिए मैटर कर रहा है। तो चलिए पहले एक काम करता हूँ, मैं डब्ल्यू का अमाउंट निकाल देता हूँ। डब्ल्यू का टोटल मैंने करा 24,600, उसमें से उसका डेबिट का 1600 और 500 माइनस करा तो डब्ल्यू की कैश कितनी आ गई 22,500 आ गया। पक्का? यानी डब्ल्यू को जो भी अमाउंट देनी मुझे किस में देनी, कैश में। इसका डेबिट में करा तो डेबिट से कहाँ जाएगा, ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा मुझे। डब्ल्यू से कैपिटल लिख दिया मैंने 22,500। पक्का? यहाँ तक इजी जा रहा है आप सभी को सम? ओके बेटा, चलो अब मैं बढ़ता हूँ। अब मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब कभी भी अगर ऐसा सम आ रहा है कि आपको पहले से कैपिटल के लिए रेशियो दे दिया उन्होंने कि इस रेशियो में आपको कैपिटल रखनी है और इस पार्टनर को अमाउंट कैश पे देनी है, जिसके लिए रिमेनिंग पार्टनर कैश अमाउंट लाएंगे, तो आपको करना क्या है सम? ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, यहाँ पे रिटायर पार्टनर का भी अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, उसकी कैश अमाउंट भी निकाल दी। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको इसकी अमाउंट तो लिखनी पड़ेगी ना कैश की, तो सिंपल एंड शॉर्ट में आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। अगर कभी भी ऐसा सम आता है तो ऑलवेज याद रखना है कि जितनी कैश की अमाउंट आपने आपकी स्टार्टिंग में थी उतनी ही अमाउंट आपकी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में भी आएगी। यानी जितने से आपने बिजनेस स्टार्ट करा था उतने से ही आपका बिजनेस क्लोज होगा, यानी आपकी जो कैश, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पार्टनर कैश बिल्कुल रख ही नहीं रहा है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है अपनी कैश पूरी की पूरी उठाकर ले जा रहा है। तो मैंने कितने से बिजनेस स्टार्ट करा 2000, तो वही मेरा बैलेंस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2000। चलिए अब आप जब एसेट्स का टोटल करोगे कितना आएगा आपका 70,000। सभी चीज़ें लिख दो आप लोग, वहीं पर लाइब्रेटी में भी आप सभी चीज़ें लिख दो, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपको दिया था। अब 70,000 से आप 23,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे अमाउंट कितनी बचेगी, 47,000 बचेगी। अब ये 47,000 को उनके कौन से रेशियो में रखना है, न्यू रेशियो में। और आपको मैंने बताया था लास्ट सम के अंदर भी न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेन प्लस ओल्ड। तो एल का गेन क्या था 5/40 था और ओल्ड क्या था 2/5 था, करा तो 20/40 आ गया। ऐसे बी का क्या था, गेन रेशियो 3/40 था और ओल्ड था 2/5, कितना आ गया 90/40। 21 और 19 यानी टोटल हो जाता है 40-40, यानी न्यू रेशियो क्या आ गया मेरे 21:19। यानी जो भी अमाउंट है 47,000 उसको मैं क्या करूँगा 21:19 की रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्लियर हुआ? पक्का? आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ईजी। और यही कैपिटल कहाँ लिख दूंगा, इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया मैंने 24,675 एंड 22,325। पक्का? चलिए अब आप डेबिट में से क्रेडिट की अमाउंट माइनस करिए, यानी 37,875 में से आप 20,000 माइनस करिए तो यहाँ पे 10,675 रुपीज़ कम पड़ेगा। वहीं पर बी के अंदर 31,525 में से आप माइनस करिए 12,500 2,000 and 5200 तो यहाँ पे आपको 11,625 अमाउंट क्या होगी, कम पड़ेगी। तो इतनी अमाउंट ये दोनों क्या करेंगे, डब्ल्यू को पे करने के लिए लेकर आएंगे। और इन दोनों का ही अगर आप जब टोटल करोगे तो आपका अमाउंट कितना 22,500 हो जाना चाहिए। यानी एल और बी इतनी अमाउंट लेकर आ रहे हैं कि डब्ल्यू की जो भी इनकम थी ना वो उसको पे कर दी हमने। पक्का? और यही दोनों जो क्रेडिट हैं ये कैश से कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में। यानी देखिए आपका कैश अकाउंट भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ मैंने आपको क्या बोला? पक्का? इजी? ओके चलिए, तो आई होप आप सभी को भी ये सम क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके डाउट बोल सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।